अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत मशहूर टर्किश रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी है टर्किश स्टफ्ड पेपर्स की। बहुत आसानी से बनने वाली है लेकिन बहुत यूनिक इसका टेस्ट आता है क्योंकि इसमें कच्चे चावल इस्तेमाल किए जाते हैं और आप इसको लंच में या डिनर में सर्व कर सकते हैं और थोड़े से मसाले जाते हैं इसमें, बहुत लाइट सा खाना बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा 250 ग्राम, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप टोमेटो प्यूरी, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल और 1.5 खाने के चम्मच इसमें जाएगा लींबू का रस। साथ ही मैं सीजनिंग में सबसे पहले इसमें डालूंगी नमक। नमक आपने हाथ रोक के डालना है क्योंकि इसकी सॉस में भी जाता है नमक। और पिसी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी हसबे जायका। 1/2 चम्मच पेपरिका पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी सूखा हुआ पुदीना। 1 लहसुन का जवा मैं इसमें डाल रही हूँ जिसको मैंने कूटा हुआ है। और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, अगर आपके पास पार्सले है तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, यहाँ पर मैंने लिए हैं 100 ग्राम चावल जिनको मैंने धो लिया था और धो के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वैसे तो इसमें टर्किश चावल जाते हैं, उनका टेस्ट और टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन इन चावलों के साथ भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अच्छी तरह से अब आपने इनको मिक्स कर लेना है और हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब इसकी सॉस के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गर्म पानी लिया है और इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है हसबे जायका। और 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा नमक हसबे जायका। नमक आप हाथ रोक के डालेंगे क्योंकि चिकन पाउडर में काफ़ी नमक होता है। 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा जैतून का तेल और 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें डालूंगी टोमेटो पेस्ट। और ये डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये टोमेटो पेस्ट इसमें मिक्स हो जाए। सॉस तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने टर्किश पेपर्स ली हैं और ये मेरे पास 6 अदद हैं। इनको आपने ऊपर से इस तरीके से काटना है छुरी की मदद से, और काट के जब आप इसको यूँ हल्का सा घुमा के खींचेंगे तो इसके जो बीज हैं वो भी निकल आएंगे, जो बाकी के हैं वो आप यूँ टैप करके निकाल लीजिए। मिर्चें हमारी तैयार हो गई हैं। अब इस पैन में आपने इनको बनाना है, उसमें आप इनको असेंबल कर लें। और जो हमने अब स्टफिंग इसकी तैयार की थी चावलों की और कीमे की, वो आपने इसमें डाल देनी है। और ये डालने के बाद ऊपर से आपने इसको एक टोमेटो के स्लाइस की मदद से यूँ कवर कर देना है या इसको सील कर देना है। मेरे पास कुछ मसाला बच गया था तो मैंने इसी तरीके से बैंगन को भी स्टफ कर लिया है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अब आपने जो सॉस तैयार की थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। और सॉस डालने के बाद मैंने उसी कप में 1 कप पानी और डाला है और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब आपने इसको ढककर पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और पकाने का दौरानिया आपको चाहिए होगा तकरीबन 35 से 40 मिनट, जब तक कि चावल अंदर से गल जाएं, कीमा गल जाए और जो पेपर्स हैं वो भी नरम हो जाएं। मैंने इसको तकरीबन 35 मिनट पकाया था और इसके बाद मैंने इसका ढक्कन उठा लिया है। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है और ये ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। आप इसको सर्व करें, साथ इसकी जो सॉस है वो भी आप इसके ऊपर डालिए। और ट्रेडिशनली इसको दही के साथ सर्व किया जाता है और ये एक आपका कंप्लीट मील तैयार हो जाता है। अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कैसे दिखेगी। यहाँ पर अभी मैं, ये देखिए, बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफ़ी राइस बने थे और जो कीमा था वो भी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ था। और ये आप देख सकते हैं कि अंदर से ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको ये यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें वीडियो अपडेट्स के लिए। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।